तो आइए स्टार्ट करते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के पास पेपर्स। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 41 से लेकर एमसीक्यू नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि हम दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमारी आज की वीडियो नंबर 4 है। एमसीक्यू नंबर 41 से लेकर 50 तक हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ओल्ड वीडियोस जो कि एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 40 तक थी, तो 1 से लेकर 40 तक जो एमसीक्यूज है उनकी तमाम वीडियोस, तीन वीडियोस हैं, और वो तीनों वीडियोस की लिंक एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। प्लेलिस्ट कहाँ पर है भाई? नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है प्लेलिस्ट, और आप वहाँ पर जाकर पहले ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, या पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और बाद में जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 41 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 41 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 41 के अंदर कहा जा रहा है कि फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड्स, फिनॉल फिनॉक्साइड्स बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग मेटल के बनाते हैं, उनको कब किस चीज़ से रिएक्ट करवाया जाए कि वो फिनॉक्साइड्स बनाएं। तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है, या हमारे पास आ गया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लग गया क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो होता क्या है कि ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? HCl। जब यहाँ पे HCl बन जाएगा तो ये ONA पूरा जाकर जुड़ जाएगा बेंजीन का टॉपर और बना लेगा बेंजीन रिंग अपनी जगह पर, और ऊपर जाकर टॉप पर जुड़ जाएगा ONA। अब ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है तो हमें ये देखना पड़ेगा किस चीज़ से रिएक्ट करवाने के बाद बना है सोडियम फिनॉक्साइड, बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने के बाद। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली कहलाता है। क्यों अल्कली इसलिए कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर एक अल्कली मेटल मौजूद है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि फिनॉल, एमसीक्यू नंबर 42 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फिनॉल क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, कलरलेस पॉइजनस गैस है या नॉन पॉइजनस गैस है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिनॉल सॉलिड होता है, और फिनॉल का कलर जो होता है वो कलरलेस से, मतलब फिनॉल आमतौर पर कलरलेस होता है, लेकिन इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं फिनॉल समटाइम्स एग्जिस्ट करता है कलरलेस फॉर्म के अंदर, और समटाइम्स एग्जिस्ट करता है ऑफ वाइट या येलोइश से सॉलिड के अंदर। तो हमारा सही आंसर होगा कि फिनॉल कलरलेस सॉलिड होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर कहा हुआ है कलरलेस लिक्विड, फिनॉल कलरलेस लिक्विड में नहीं होता, लिक्विड में ही नहीं होता, फिनॉल गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये रॉन्ग ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 43 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? SP, SP2, SP3 या नन? कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि फिनॉल के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं बेंजीन रिंग को, क्योंकि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है तो वो कहलाता है फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। अब अगर हम बेंजीन रिंग को, यानी जो फिनाइल ग्रुप है, इसको फोकस करते हैं, इसके अंदर जो हर कार्बन है, ये हर कार्बन क्या कर रहा है? एक एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है, ये हर कार्बन एक एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है, और ये हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है। जैसे कि ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, और ये रेजोनेट करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है किसी भी कार्बन के पास। अब जब एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, जहां पर एक पाई बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। बेंजीन रिंग के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो पाई बॉन्ड्स हों किसी कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp, और अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो हो जाएगी sp3। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए sp2। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कार्बन फॉर्म, कार्बन कौन से कंपाउंड्स बनाता है? कार्बन जो है ग्रुप 4A से बिलोंग करता है,
ग्रुप 4A से बिलोंग करता है और कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो पोलर भी हो सकते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर उन्होंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की है, तो ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन डी पोलर आयनिक बॉन्ड, इस नाम का कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड आमतौर पर मेटल्स बनाते हैं, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, 45 MCQ के अंदर, विलियमसन सिंथेसिस, जब विलियमसन सिंथेसिस होती है तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रिपेयर की जाती है? विलियम सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। अब ये विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डाई इथाइल ईथर को प्रिपेयर करने का। डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर दोबारा से CH2 और CH3। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर करते क्या है, एक अल्कोहल को रिएक्ट करवा देते हैं एक अल्काइल हैलाइड से, तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है ईथर। और ये दो स्टेप्स में पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आप इसको ईथर के टॉपिक में अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। अगर याद रखना चाहें तो सिर्फ ये याद रख लीजिए कि विलियमसन सिंथेसिस डाई इथाइल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 46 के अंदर, ईथर्स आर आइसोमर्स विथ, ईथर्स जो होते हैं वो इनमें से किस चीज़ के साथ में आइसोमर्स की फॉर्म आइसोमर्स बनाते हैं? तो ईथर्स आइसोमर्स बनाते हैं अल्कोहल के साथ में। तो ईथर्स जो होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं अल्कोहल्स के साथ में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा और इसकी एग्जाम्पल मैंने एक बराबर में लिखी है। जैसे क्या, ये एक डाई मिथाइल ईथर है CH3O CH3, और अगर आप इसका मोलर फॉर्मूला देखेंगे तो इसका मोलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O। एक और कंपाउंड है CH3CH2 और OH, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये अल्कोहल से बिलोंग करेगा और इसका भी मोलर फॉर्मूला है C2H6O। ईथर और अल्कोहल दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मोलर मास दोनों का सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 47 के अंदर, कि डाई इथाइल ईथर इज यूज्ड एज, डाई इथाइल ईथर को इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक के तौर पे, या एंटीसेप्टिक के तौर पे, या एनल्जेसिक के तौर पे, या एनेस्थीसिया के तौर पे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक के तौर पे। डाई इथाइल ईथर को कब यूज़ किया जाता है? डाई इथाइल ईथर को कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, बिफोर इंजेक्शन, बिफोर इंजेक्शन। एक रुई के अंदर मतलब एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर जो कॉटन होती है वो डिप करके पहले लगाई जाती है, जैसे कि बाजू वगैरह के ऊपर, फिर लगाई जाती है, फिर उस जगह के ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है डाईथाइल ईथर का, ये इन्फेक्शन को रोकता है, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर। एनेस्थीसिया के तौर पर, एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इधर कौन सी गैस यूज़ करते हैं? एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ करते हैं इथीन गैस को। ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 48 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, मार्श गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, या मार्श गैस मेनली कंटेन्स, मार्श गैस के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ शामिल होती है? तो मार्श गैस कहा जाता है मीथेन गैस को, या इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है। मार्श का मतलब वैसे उर्दू में मतलब होता है दलदल। अब ये जो नेचुरल गैस है, या मीथेन गैस जो है, ये पाई जाती है दलदली जगहों पे, इसीलिए इसको कहा जाता है मार्श गैस। अब मार्श गैस को कहा जाता है मीथेन गैस, और नेचुरल गैस पाकिस्तान के अंदर इस गैस को कहा जाता है सुई गैस, और इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर मीथेन गैस शामिल होगी सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, CH4। अब मीथेन गैस कितने परसेंट तक प्रेजेंट होती है? तो मीथेन गैस प्रेजेंट होती है 94.6% प्रेजेंट होती है 100% मिक्सचर के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 49 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसमें से कौन सा
मतलब कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अब देखें, कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से दूर दूर होंगे। हमने बताना है लीस्ट बॉन्ड लेंथ। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, जब और करीब आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर इथाइन है, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, और यही हमारा सही आंसर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओलिफिन्स इज, जो ओलिफिन्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp3, sp2 या sp या नन ऑफ दीज। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ओलिफिन्स किसको कहा जाता है। ओलिफिन्स कहा जाता है अल्कीन्स को। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि ऑयल बनाते हैं, ऑयल फॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये अनसेचुरेटेड होते हैं, इनको ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है ओलिफिन्स। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई है कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है उसमें पहला बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा पाई, यानी कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यही बात हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी कि अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, नो पाई बॉन्ड, अगर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और अगर दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, यानी पहला सिग्मा होगा बाकी दोनों पाई होंगे, जब दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर ओलिफिन्स के अंदर, ओलिफिन्स कहा जाता है अल्कीन्स को, और अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द आंसर। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।